गाइस, आज है हमारी टपोरी थीम, और टपोरी थीम के लिए मैंने क्या क्या डेकोरेशन की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये ताश के ये इस तरीके से बना लिया है, क्योंकि टपोरी जो होते हैं वो ताश हर समय खेलते हुए घूमते रहते हैं। और साथ ही ये सिगरेट हमने बनाई है, देखिए टपोरी सिगरेट पीते हैं, और इस तरीके की सिगरेट हमने बनाई है, देखिए बिल्कुल घर में होम मेड सिगरेट है। और इस तरीके से सिगरेट मैंने बना के रख ली है ताकि सब लोग खूब मज़े करें। ये छोटी सी गन बच्चों वाली जिसे हमने लिया है कि ताकि बिल्कुल और वो लोग यूज़ करते हैं। ये गुलेल, साथ ही हॉकी, देखिए कितनी छोटी सी हॉकी बच्चों वाली, मैंने इन सबको डेकोरेशन में इस्तेमाल किया है। ये स्टेन गन, ये देखिए कितनी बढ़िया स्टेन गन है जो आवाज़ भी करती है इस तरीके से, और इसको भी मैंने लिया है साथ ही छोटी सी गन, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हमने डेकोरेशन में इस्तेमाल की है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमारी टपोरी थीम किटी पार्टी में। तो चलिए आपको दिखाती हूँ हमने इसको कैसे एंजॉय किया। अब हमारी किटी में सब लोगों ने एंट्री की, और मैंने किटी सबसे पहले तो मैंने किटी आपको बता देती हूँ कि जो वेन्यू था वो हमारा एक होटल था, यहाँ पे हमारे घर के पास ही है, थोड़ी दूर पे एक होटल है, हमने वहीं पे अपने किटी ऑर्गेनाइज़ की थी। और सब लोग देखिए बिल्कुल थीम के अकॉर्डिंग आए हैं और कितने मस्त लग रहे हैं। और उसी तरीके से रुमाल, चश्मा, कैप, चाकू सब उसी तरीके से वेयर करके आए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैंने सबका वेलकम एक एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी लगा के गाल पे किया कि सबसे उन्होंने पूछा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को नज़र ना लगे, आप लोग मस्त इतने लग रहे हैं। और दूसरा वो जैसे टपोरी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि टपोरियों के गाल पे एक बहुत मस्सा सा होता है ब्लैक कलर का, और सारे टपोरी उसी तरीके से लगे और सब एक ही ग्रुप के दोस्त लगे, इसलिए मैंने सबको उसी तरीके से वेलकम किया था। सारे लोग थीम के अकॉर्डिंग ही अटायर पहन के आए थे, जो नहीं पहन के आए थे यानी जो सूट पहन के आए थे उन्होंने भी कैप वगैरह सब पहना था, और सब बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहे थे। सारे लोगों ने मेरे थीम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ये मेरी मम्मा है, इन्होंने सूट पहना था, इनको भी मैंने कैप और गले में रुमाल बांध दिया जिससे बहुत ज़्यादा सब सुंदर लग रही थी वो। और मेरी फ्रेंड्स सभी ने जो जिनको मैंने वेलकम किया था उनको भी मैंने कहा कि भाई अपने अपने गाल पे भी लगाओ क्योंकि हम लोग भी इस ग्रुप का हिस्सा ही लगे। और देखिए सब ने उसी तरीके से जब थीम के अकॉर्डिंग आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और सभी बहुत ही मस्त लग रहे थे। देखिए ये पता 4 बज गया, देखो नहीं अभी है 5 मिनट। सभी को मैंने कहा था कि जैसे आपने देखा होगा मेरी गोवा थीम को, तो उसी तरीके से मैंने जब ये वाली थीम ऑर्गेनाइज़ की तो सब ने इसका भी बहुत ज़्यादा मज़ा लिया। और देखिए मेरे भी इन लोगों ने सब ने मिल करके कहा कि आप भी एक मस्सा लगाइए, तो हमने भी मस्सा लगाया और सब बहुत मस्त लग रहे थे। मेरी आंटीज़ वगैरह सब बहुत खुश थी और सब ने बहुत ही ज़्यादा मज़े करे। देखिए सब लग रहे हैं ना एक बिल्कुल ही टपोरी, और देखिए मेरी आंटी है गले में चाकू जैसे टपोरी करते हैं उसी तरीके से। और तंबोला के लिए हम लोगों ने कहा लो पैसे लो, तो मेरी एक फ्रेंड बोली नहीं नहीं हफ्ता वसूली करेंगे हम, तो हफ्ता वसूली करेंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने कैप में हफ्ते की तरह देखिए जो तंबोला के रुपए थे वो करे, और मेरी फ्रेंड ले रही थी तो जो दूसरी फ्रेंड थी उसने चाकू छीन लिया, बोले अब हफ्ता मैं वसूल करूँगी तुमसे ही। बहुत ही ज़्यादा मज़े करे सब ने। सबसे बड़ी बात है मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मेरी किटी में कोई भी आया हो वो बहुत ज़्यादा मज़े करे। तो देखिए सब कितने मज़े कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों ने सबने तंबोला खेला, आपको पता है कि तंबोला तो किटी में बिना तंबोला के तो कोई काम ही नहीं होता है, तो तंबोला तो मस्ट है। तो हमने दो दो तंबोले किए, दो बार हम लोग हौजी खेलते हैं, और उसके बाद हमने गेम करे। ये देखिए ये सभी ने पैसे का कलेक्शन किया और तंबोला खेला, और उसके बाद मैंने दो गेम भी रखे थे ताकि जितने हमारे मेंबर्स हों वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करें और बहुत ज़्यादा मज़े करें। तो सब ने गेम को भी बहुत एंजॉय किया, गेम जो है वो बहुत ही बढ़िया है, मैंने बिल्कुल मस्त तरीके से बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे जो हमारी टीम के थीम के अकॉर्डिंग था, तो बिल्कुल थीम के अकॉर्डिंग ही है। और मैं इसको आपको अगले वीडियो में
बताऊंगी कि कौन सा गेम था ये। आप जब भी अपनी उसमें टपोरी थीम रखें तो इस गेम को कराइएगा, बहुत ही सबने इस गेम को इतना एंजॉय किया। और जब भी हम कोई किटी करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके का गेम रखें कि जिसमें सब लोग बहुत एंजॉय करें और याद करें कि वो गेम रखा गया था। तो सबने वर्बली गेम ये वाला करा। और दूसरा मैंने गेम रखा था वो भी बहुत मस्त था कि एक मिनट में आपको इस बैलून को बिना गिरे हुए सारी जो शर्ट है उसके सारे बटन लगाने हैं। और सब ने ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस गेम को परफॉर्म किया और बहुत ही मज़े आए इस गेम को परफॉर्म करते हुए भी। और दूसरा गेम भी सब ने करा और मैंने दोनों गेम एक साथ ही स्टार्ट करा दिए। क्यों? क्योंकि टाइम की, ताकि हम लोग को ऐसा ना लगे कि टाइम की ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर आप दो गेम अलग अलग करते हो तो उसमें टाइम बहुत लगता है। तो इससे अच्छा है कि दोनों गेम लगातार होते रहे और सब उसी गेम के अकॉर्डिंग मज़े भी करते रहे। और इस गेम में मैंने चार डायलॉग्स बनाए थे, आती क्या खंडाला, एकदम झक्कास। तो अब दो क्या बनाए थे वो मैं आगे आपको वीडियो, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तो मैं आगे दूसरी वीडियो में इस गेम को ज़रूर बता दूंगी। और गाइस सबने देखिए, सबसे बड़ी बात है मुझे सबसे अच्छा लगा कि सब बिल्कुल मस्त लग रहे थे और सबने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, इतनी मस्ती करी कि अभी आप देखिएगा फ़ोटोज़ में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सब ने जो जो मैंने वो लिए थे, मैंने प्रॉप्स जो जो लिए थे, गन थी, हॉकी थी, प्लस गुलेल थी, ताश के पत्ते थे, सिगरेट जो हमने बनाई है हैंडमेड वो तो बहुत ही मस्ती, सबने इतनी वो सिगरेट को ले लेके फ़ोटो खिंचाई है और सभी ऐसे लग रहे थे कि सच में ये सब टपोरी है। और बिल्कुल सब ने एक दूसरे के ऊपर गन, हॉकी सबको करके खूब सारी पिक्स खींची और बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। बस किटी का हमारा यही ध्येय होता है कि हम लोग अपने थोड़ी सी देर, दो घंटे, तीन घंटे जो भी हैं वो समय हमारा सिर्फ हमारा अपने के लिए रहे, ये नहीं कि बस हर समय ना किसी से कोई मतलब ना किसी, सिर्फ अपनी ही इंजॉय करना है कि हम सब मेंबर्स या हम सब फ्रेंड्स मिल करके एक छोटा सा गेट टुगेदर कर दें जिसमें सबको मज़े आए, सब लोग इंजॉय करें। और सबने उसी तरीके से सबने बहुत इंजॉय भी किया मेरी किटी को। तो और जब भी मैं कोई किटी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो मैं सोचती हूँ थीम के अकॉर्डिंग करूँ, ताकि जब भी हम इस किटी का जो हमारा जो एम होता है वो यही होता है कि सब लोग मज़े करें। और जब कोई थीम हो जाती है तो उसमें तो सब बहुत मज़े करते ही हैं। ये देखिए मेरी फ्रेंड है, यही हमारी फर्स्ट आई थी और बहुत अच्छी तरीके से इसने अपनी शर्ट के सारे बटन लगा लिए थे। और जो थोड़ा टफ़ था सभी के लिए, थोड़ा थोड़ा टफ़ था और सब ने बहुत मज़े करे। देखिए सब कैसे गेम खेल रहे हैं, गेम के लिए सब बहुत जल्दी जल्दी ताकि हम फटाफट से हम जीत जाए। लेकिन ये जो मेरा गेम था ये लक पे था, तो आप कितने भी ज़्यादा कार्ड निकालिए, कितने भी वो कर लिए, मगर आपका अगर लक है तभी आप इस गेम को जीतेंगे। और बहुत ही मज़े आए, बहुत अच्छी तरीके से पूरी किटी को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत ज़्यादा सबको ने इंजॉय किया। और गाइस आपने मेरे हर थीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और ये थीम आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे भी आपको किस तरीके की थीम चाहिए या कौन सी थीम आपको अच्छी लगती है वो भी बताइएगा, तो मैं उस थीम के अकॉर्डिंग भी आपको किटी दिखाऊंगी या उसी तरीके से किटी ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी, या फिर आप कहोगे तो मैं किटी के सारे थीम्स बता दूंगी मंथ के अकॉर्डिंग या आपके फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग। कुछ भी फेस्टिवल भी आने वाले हैं सारे, तो गेम्स भी मैं बहुत फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल पे हम बने रहिएगा और अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी देखते रहिएगा। और देखिए मेरी आंटी ने कितना, चाची ने इन्जॉय किया आपने देखा, तो फ्रेंड्स भी मेरी खेल रही हैं और उन्होंने बहुत इस गेम को बहुत इन्जॉय किया। और कौन कौन गेम में देखिए सबको गिफ्ट देंगे तो पता चलेगा कि कौन गेम में फर्स्ट आया। ये वाली जो मेरी फ्रेंड थी वो शर्ट वाले गेम में फर्स्ट आई थी और सब ने देखी किस तरीके से इंजॉय कर करके गेम खेला। और आगे भी सब ने प्रॉप्स का जो इस्तेमाल किया है उसको तो देखते ही बनता है। और खूब हम लोगों ने फ़ोटो क्लिप बनवाई और साथ ही बहुत सारी रील्स भी बनाई क्योंकि सब बहुत मज़े करते हैं। मैंने टीचर्स डे थीम की भी आपने देखी होगी कि मैंने टीचर्स डे थीम डाली थी, उसमें भी सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। तो मुझे अच्छा लगता है थीम के अकॉर्डिंग ही कोई भी आप किटी करो।
और हमेशा ही अगर किटियाँ तो होती हैं, लेकिन अगर शांति से करो इससे अच्छा थोड़ी सी भी कोई थीम कर दो तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और थोड़ा सा एफर्ट कर दीजिए तो जो जितने लोग हैं आपके वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और आजकल के जीवन में सभी चाहते हैं कि बहुत अच्छे से हम लोग जो थोड़ा बहुत जितना जीवन है वो बहुत अच्छे से कट जाए, हंसते मुस्कुराते। और जब दोस्तों का साथ होता है तो सब वैसे ही, सारी ज़िंदगी की जितनी लाइफ की परेशानियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। तो बस जो थोड़ा सा समय है उसको हंसते मुस्कुराते ही काटना चाहिए और बहुत मज़े करने चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने इस किटी को ऑर्गेनाइज़ किया और देखिए सभी लोग खेल रहे हैं। और फिर इसके बाद सबने खूब सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो क्लिक करवाई, सबने एक दूसरे के ऊपर खूब सारे गन। और ये देखिए ये भाभी है, इन्होंने भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से गेम को परफॉर्म किया। और सब ने एक दूसरे के ऊपर, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने एक विस्की की बॉटल का जो ऊपर का कवर होता है वो भी हमने रखा था तो वो भी लिया। और ये देखिए किस तरीके से सबने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और कितने मज़े करें। आपको देख देख कर ही आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मज़े हम लोगों ने इस जो थीम थी टपोरी और इसमें करी। पहले मैं सोची थी पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जितना सबने इसका साथ दिया उसको तो देखते ही बनता था। और मैंने भी अपने सारे फ्रेंड्स को बहुत अप्रिशिएट किया कि आप लोग इतना अच्छे से बन करके आए, मेरे थीम को पूरा उसी के अकॉर्डिंग करा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए ये जीती है गेम को। और देखिए सभी ने फिर बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाए, बहुत मज़े करे। तो गाइस अगर आपको मेरी ये थीम पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सके। और मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिएगा और कहते रहिएगा आती के खंडाला अपन बोला तू मेरी लैला तू बोलती, इसी तरीके से गाने गाते रहिए। और अपनी किटी एक बार करके देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मस्ती होती है और सब बहुत मस्ती करते हैं। और हम लोग का किटी पता ही है किटी का मतलब क्या होता है, कि सब लोग इंजॉय करें। और इस तरीके से हम लोगों ने देखिए डांस वंस किया, ये देखिए गले में रुमाल डाल के आती क्या खंडाला बहुत मज़े हुए। तो गाइस आप एक सॉन्ग लगाया मैंने उसका मज़ा लीजिएगा। और देखिए किस तरीके से सिगरेट के ये देखिए किस तरीके से हम मेरी जो बनाई हुई सिगरेट थी उसके कितने मज़े लिए हैं मेरे फ्रेंड्स ने। ये देखिए सभी ने इस तरीके, पहले मैंने सोचा लो मीठी, पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो मीठी सिगरेट्स आती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं इसको बना लेते हैं, बना कर इसका अलग ही एक रूप था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो गाइस एक बार फिर अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।